आज हम आपको धन वृद्धि के कुछ छोटे छोटे उपाय बतलाएंगे। हर कोई चाहता है कि उसकी तिजोरी पैसों से भरी हुई हो, लक्ष्मी जी की कृपा उस पर हमेशा ही बनी रहे। इसके लिए आइए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बतला देते हैं। यदि आपका व्यवसाय है तब तो आपको प्रतिदिन जो इनकम होती है उस इनकम को आप घर लाएं और उसे अपनी तिजोरी में रखें। यदि खर्च करना हो तो पहले जो कमाया है वो पहले धन खर्च करें, बाद में कमाया हुआ बाद में खर्च करें। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं तब तो रोज़ तो आपकी कमाई होगी नहीं, आपको एक साथ में आपकी सैलरी मिलेगी। आजकल क्या है, ऑनलाइन जो सैलरी का जो सिस्टम है वो चलो है तो ठीक, लेकिन जहाँ तक लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो ये ठीक नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन सैलरी मिलती भी है तब आप उसमें से कुछ रुपए जो है वो आप लाइए और ला करके अपनी तिजोरी में, अगर पूरा लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरा नहीं लाते तो कुछ न कुछ रकम जो है, जैसे शुभ आंकड़ा जो है वो आप उसमें से निकाल ले बैंक में से और ला करके अपनी तिजोरी में रखे और उसके बाद ही उस धन का व्यय करें। यदि ऐसा नहीं करते तो लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं आप पर। लाना जब आपको जरूरी है लाना ही चाहिए। नोटों को हमेशा व्यवस्थित रखें, कुछ भी बस जैसे आ गई वैसे ही जेब में डाल लेते हैं वो ठीक नहीं है। सीधा रखे, व्यवस्थित रखे, मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए, ऐसा हम अलग प्रकार से नहीं रखना चाहिए। अपने पर्स में लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा वाली तस्वीर आप रख सकते हैं। पर्स में पीपल का पत्ता भी रख सकते हैं। प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य ही दान करने की आदत डालें। केवल लेना ही ठीक नहीं है, कुछ न कुछ अपने हाथ से प्रतिदिन कुछ दान होना चाहिए। मंदिर में दान होना चाहिए, कुछ ज़रूरतमंदों को दान होना चाहिए। अपने हाथ से एक आदत डालें कि कुछ न कुछ रोज दान करें। घर की सफाई आपको करनी है तो शनिवार सबसे अच्छा है। गुरुवार को सफाई न करें घर की, गुरुवार को पोछा भी न लगाए। लक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य ही लगाते रहना चाहिए। आरती करें शुक्रवार को करें या फिर गुरुवार को करें। नारियल को रेशमी वस्त्र में बांध करके तिजोरी में रखें, पानी वाले नारियल को। साथ ही साथ कौड़ी रख सकते हैं, हल्दी की गांठ रख सकते हैं और कमलगट्टा रख सकते हैं, सुगंधित जो इत्र है वो रख सकते हैं। इस प्रकार से इन सब पदार्थों को रखने से लक्ष्मी, इन छोटे छोटे उपायों से हम अपने घर में लक्ष्मी जी को शाश्वत रूप से विराजमान कर सकते हैं, उनकी प्रसन्नता पा सकते हैं। अगले सप्ताह हम आपको बतलाएंगे तिजोरी के विषय में, जो लक्ष्मी जी का मंदिर माना गया है घर में। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 07242440722, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।